खबर बीजापुर से है। माओवादी की राजधानी की नक्सल नेताओं का फरमान जारी हुआ है, जहां बीजापुर मरकनगुड़ा गांव के एक परिवार को बेदखल किया गया। एक व्यक्ति पुलिस में होने के कारण उस परिवार के सभी सदस्यों को गांव से बाहर भगाया गया। फिर पूरे परिवार उत्तरनपुर होते हुए पालनार छोटे छोटे बच्चों के साथ महिलाएं पहुंची और रहने के लिए आशियाना ढूंढ रहे हैं। माओवादियों ने बड़े भाई को छोटे भाई की हत्या करने का फरमान जारी किया था। छोटे भाई को नक्सलियों ने पुलिस मुखबिरी करने का आरोप लगाया था। बड़े भाई के इनकार से नाराज नक्सलियों ने परिवार को गांव से बेदखल कर दिया और अपने 30 एकड़ जमीन के दावेदार छोड़कर परिवार दंतेवाड़ा पहुंचा। क्योंकि मेरा भाई मारने बोल के देते, मतलब मैं मर नहीं पाया, इसलिए मैं इधर आया। अब बाल बच्चे लोगों को कहाँ ले जाके पोसूंगा पालूंगा करके बोल के देखा, मतलब कहीं मिले ले जाके पोस लेना बोल दिया। और वो दो घर का कपड़ा है, कपड़ा का लेके जाओ करके बोले थे। फिर बोले कि मत ले जाना कपड़ा उपड़ा बोलने से, इसलिए उन्हें छोड़ दिया कपड़ा को। तो दान उन सब लेके आए कल यहाँ पे ला के दम करें, तो मतलब पीछे लेके आऊँगा करके बोला दान को। तो आप लोग का जमीन उमीन कितना है गांव में? जमीन हम लोग क्या 30 एकड़ से पार है, और हम लोग को इसी साल 2 महीना हो गया है। 53,000 का मेड़ बंधा है थे, जो गाय बकरी है जो भी वो नहीं दिए, सब दान वान आधा अच्छा उन्होंने ले लिया, आधा अच्छा हम लोग को दे दिए। कपड़ा तो पूरा ही नहीं दिए, जो घर का सामान और आधे से ज़्यादा तो सामान अभी भी यहाँ पड़ा हुआ है, अभी लाए सल्फी जार दिन आम पेड़ सल्फी जार सब तो बहुत है, इमली जाड़ूर ऐसे हरकत कर दिया हम लोगों को। भाई को बोल के देखे कि उसको मेरे वजह से इन लोग को बोल के देखे कि क्या बोलने से भाई को मार खाने से, अगर तू गांव में रहेगा अगर वो जिंदा रहना चाहता है तो फिर तुम लोग छोटा भाई के पास जाके जियो, बोल के इनको मेरे पास भेज दिए। मतलब क्या वजह सर जी, वजह क्या था? वजह ये था कि मेरे को यहाँ से वो गांव से ना, जो हम लोग गांव में रहते थे वो गांव से हम लोग को ये मेरे को गांव वाले कुछ लोग कि पुलिस में बोल के पुलिस के नाम से मेरे को बदनाम कर दिए, और उस नाम को नक्सली वाले को भी ऐसी उधर पुकार कर दिए। पुकार करने की वजह से वो पुलिस में बोल के मेरे घर वालों को भी, मेरे घर वालों परिवार को सबको इधर भगा दिए। बर्बाद कर माए बाप के भाई के पीला मन के पोसन देखो पालन देखो इतना बर्बाद कर दिला से। बाप पहले कैसे शांत रहे, उसमें शांत रहे मैं मरन गेला के कान कर अरे इस साल तो 2 महीना हो गया करीबन, वही 53,000 का मेड़ बंधवाया था। पिछले साल भी 50,000 का बंधवाया था मेड़, ये सब हम लोग को नहीं मिला। इसका मतलब है कि हम लोग को सरकार से कुछ ना कुछ सुविधा देखें।